नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। क्वेश्चन आंसर सीरीज, जहां हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो आपके मन में होते हैं मगर उसका उत्तर मिल नहीं पाता आपको। और आज का क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है एक्यूट किडनी फेल्योर में या क्रॉनिक किडनी फेल्योर में, AKD एंड CKD। दोस्तों, मैं बहुत टेक्निकल भाषा की बात नहीं करूंगा, मैं मेडिकल टर्म में नहीं जाऊंगा, मैं एक आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है AKD और CKD में, एक्यूट किडनी डिजीज में और क्रॉनिक किडनी डिजीज में। दोस्तों, जब किसी कारण से किडनी धीरे धीरे और लॉन्ग रन में ख़राब होनी शुरू होती है, एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर शुगर पेशेंट हैं, आपका शुगर अनकंट्रोल है, शुगर की वजह से और शुगर की दवाओं की वजह से आपकी किडनी पर इफेक्ट आता है और क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, हम उसको बोलेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज, जहाँ क्रिएटिनिन धीरे धीरे इंक्रीज होता है। दूसरा, मान लीजिए अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और बीपी में लापरवाही या बीपी की दवाओं की वजह से किडनी पर बुरा असर पड़ता है और किडनी खराब होने लगती है, हम उसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, जहाँ पर धीरे धीरे किडनी खराब होती है। आपके किडनीज में गांठें हैं या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का केस है और धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया, हम बोलेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज। आपको पुराना UTI है, इन्फेक्शन है और उसकी वजह से किडनी पर धीरे धीरे असर पड़ रहा है, हम बोलेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर आपको पथरी की शिकायत है या दोनों गुर्दों में से स्टोन्स है जिनका प्रॉपर अपना इलाज नहीं कराया टाइम पर और उसका असर आपके किडनी पर पड़ा और धीरे 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 किडनी आपकी खराब होने लगी, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगी, हम बोलेंगे इसको CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज। यानी कोई भी ऐसा रीजन जहां पे किडनी धीरे 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 खराब हो रही है उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहेंगे। दूसरी तरफ AKD की बात करें तो एक्यूट किडनी डिजीज यानी अचानक किसी कारण से आपकी किडनी पर बुरा असर पड़े, किडनी पे डिफेक्ट आए, कभी कभी बहुत तगड़ा डिहाइड्रेशन किसी भी कारण से हो जाए, उसकी वजह से अचानक किडनी पर असर पड़ता है, लेकिन ये बाद में रिवाइज भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, जैसे आपने कोई हैवी एंटीबायोटिक खाया, कोई पेन किलर खाया और उसकी वजह से अचानक आपका क्रिएटिनिन जंप कर गई, उसको हम कहेंगे एक्यूट किडनी डिजीज, जहाँ किसी अचानक किसी कारण से अचानक किडनी खराब हो जाती है। अब एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, आपके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो मैं एक सरल सा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप डायग्नोस कर पाएंगे कि अगर आप या आपके परिचित में किसी को प्रॉब्लम किडनी की है तो एक्यूट है या क्रॉनिक है। सबसे पहली चीज आप ये देखें कि जब पहली बार आपको पता चला कि आपकी किडनी में दिक्कत है तो आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या था और उसके कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद क्रिएटिनिन का स्तर क्या है। ये बहुत ही आसान सा पैरामीटर है जिसमें आप जान सकते हो कि आपका केस एक्यूट है या क्रॉनिक है। सामान्य तौर पर अगर आपका क्रिएटिनिन 1.2, 1.5 या 2 के आसपास डायग्नोस होता है तो हम इसको क्रॉनिक का केस मान सकते हैं, क्योंकि पुराने जो पेशेंट शुगर के हैं, बीपी के हैं, वहाँ क्रिएटिनिन धीरे 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 इंक्रीज होता है और इसका दूसरा पहचान ये भी है कि ये अचानक जंप नहीं करता, ये धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है, कई बार इसमें महीनों और सालों का टाइम भी लग सकता है। दूसरी तरफ एक्यूट की बात करें, जहां अचानक किडनी खराब हुई है, वहां आपको डायग्नोस होते ही पता चलता है 3, 4 या 5 आपकी क्रिएटिनिन है। कई बार आपको पता ही चलता है जब क्रिएटिनिन 10-12 पहुंच चुकी होती है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं था, आपने कोई हैवी एंटीबायोटिक का सेवन किया, कोई ऐसा पेन किलर लिया, ऐसा कोई इंजेक्शन लगवाया, टाइफाइड की दवाइयाँ खाई और किडनी अचानक से आपकी खराब हो गई। रीज़न ये होता है कि ये जो इनके केमिकल्स हैं आपके नेफ्रॉन्स को ब्लॉक करते हैं और आपका फिल्ट्रेशन अचानक से रुक जाता है, और जब उसका इलाज आप एलोपैथी दवाई से करने कोशिश करते हैं तो ये धीरे धीरे क्रॉनिक की ओर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर अचानक से क्रिएटिनिन जंप करता हुआ मिले पहली बार डायग्नोस करते हुए ही, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि आपका ये एक्यूट किडनी डिजीज है। लेकिन अगर क्रिएटिनिन आपका कम है और धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है तो ये मान सकते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप देखें कि आपका किस तरह का किडनी डिजीज है, क्योंकि इन दोनों डिजीज का इलाज सेम नहीं होता, इन दोनों के इलाज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति एक्यूट या क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित है और उसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए या आपको और समझना है कैसे इसको मेंटेन किया जाए या कैसे एक्यूट या क्रॉनिक दोनों तरह के किडनीज को रीजनरेट किया जाए, खुद से फिल्ट्रेशन के लायक बनाया जाए, डायलिसिस को बंद कर दिया जाए, इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप और वीडियो चाहते हैं आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं जैसा आप हमेशा करते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी हमसे बोल सकते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर या उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अलग वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। आशा है आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। नमस्कार, धन्यवाद।